हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ रसोई। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर चपाती की नूडल्स। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और जमी भी है, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें नूडल्स नहीं चपाती डाली हुई है। और आप जितनी मर्जी उसको उनको खिला सकते हो। आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। सोया सॉस लिया है, चिली सॉस लिया है, विनेगर लिया है और ग्रीन चिली सॉस लिया है। तो अभी हमने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले ली है। तीनों तरह की हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली है और गाजर ले ली है, और सबको हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने चपाती ले ली है, और चपाती हमने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। 5 चपाती ली है मैंने, और ये मीडियम साइज़ की है, ना बड़ी है ना बहुत छोटी है। और देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके हम काटेंगे तो इक्वल ही कटेगी हमारी। तो हमने, आप चाहे तो चाकू के साथ काट लो, चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर के साथ काट लो, जैसे आपको ठीक लगता है। और हमने ये बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है, जितना भी हो सकता है उतना ज़्यादा बारीक काटिए आप। फिर आपको इसकी ना नूडल्स वाली फीलिंग आएगी, नहीं तो आपकी चपाती वाली फीलिंग आएगी इसकी, अगर मोटी हुई तो। और बच्चों को पता भी चल जाएगा, फिर किसी को भी पता चल जाएगा कि इसमें नूडल्स नहीं चपाती है। अगर आप बारीक बारीक काटोगे तो नूडल्स जैसे ही लगेगी। और ध्यान ऐसे ना आप खोल लेना, इनको खोल के रख लेना, ताकि इसके जो भी ये सीधी हो जाए, कोई भी कर्ल ना हो। तो यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा चाकू के साथ भी करके दिखा रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगे कर लेना। अभी हमने एक बॉल में डाल के थोड़ा सा नमक डाल लिया, और इसमें डाल दिया ऑयल, डाल दिया 2 टीस्पून। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो अभी हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से ऑयल चला जाए, नमक चला जाए। अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है, और 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऑयल डाल के 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक डाल लिया है। हम इसको हल्का सा सिर्फ इसका सेक लगाएंगे, हमने इसको भूनना नहीं है, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अभी हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, और एक ही ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च ले लिया, और हरी मिर्च को भी हमने बारीक लंबा लंबा काटा है, पतला पतला सा, तो थोड़ा सा सोते की है। तो अभी हमने गाजर डाल दिए, गाजर ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए हमने पहले डाल दिया। तो इसको हमने 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। तो हमने इसका कच्चापन रखना है, हमें इसको पकाना नहीं है। तो अभी हम इसमें मिर्चें डाल देंगे, तीनों तरह की हमने मिर्चें डाल दी हैं, और मिर्चें भी हमने लंबी लंबी काटी है, पतली पतली सी, लंबी सी, ऐसे देखने में भी अच्छी लगती है और सुंदर लग रही है, सारे कलर इसमें आ गए। बाकी आप जो आपको मर्जी हो, आप वो सब्जी डाल सकते हो जो आपको पसंद है। तो अभी हम इसको भी हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, हमने इसको सिम नहीं करना। देखिए अच्छे से हमारा हो गया। तो हमने जो नमक डालना है इसमें, वो आप बहुत ध्यान से डालना, क्योंकि सारी सॉसेस में भी नमक है, चपाती में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान देना कि अभी इसमें भी नमक हम डालेंगे, थोड़ा सा सब्जियों में भी। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेना। 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्च कूटी हुई डाली है, फ्रेश। जब हम फ्रेश काली कूटी हुई मिर्च डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो अभी हम कटी हुई चपाती डाल लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ, ताकि ये मिक्स हो जाए, अलग से ना रहे। तो अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो अभी, हाँ जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया, बड़े सॉफ्ट हाथों से करना है। अभी हमने 1 टीस्पून विनेगर डाल लिया है, और 2 टीस्पून हमने सोया सॉस डाल ली है, और 1/4 टीस्पून हमने ग्रीन चिली सॉस डाल ली है, तो 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली सॉस डाल ली है। तो थोड़ी सी जहाँ पे चीनी डाली है, 1/4 टीस्पून, ताकि इससे अच्छा टेस्ट आता है। और जो सोया सॉस डाली, इससे हमारी जो चपाती का है वो टेस्ट नहीं आएगा, चपाती वाला टेस्ट नहीं आएगा, वो उसको कवर कर लेगा। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे सारे को, ताकि सारी सॉसेस हमारे इनके अंदर चली जाए, हमारे चपाती के सब वेजिटेबल के साथ। तो अभी हमारी रेडी है, अभी हम गैस कर देंगे बंद और करेंगे सर्व। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्टी भी है, प्लीज़ इसे बनाइए और इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।